नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी किचन में। आज मैं शेयर करूंगी मैक्सिकन राइस की रेसिपी। वन पॉट मील रेसिपी है और खाने में ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बासमती चावल। इन चावलों को अच्छे से पहले धो लेंगे करीबन 3 से 4 बारी। अगर आपके पास बासमती चावल नहीं है तो दूसरे चावल से भी इसको आप बना सकते हैं। तो ये चावल मैंने धो लिए हैं, सिर्फ इसे हमें 5 मिनट के लिए ही सोक करना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन। कोशिश करें आप लहसुन को काट कर ही इसमें ऐड करें। हल्के से लहसुन को सौते कर लेंगे ताकि कच्चापन इसका निकल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। ज़्यादा पकाना नहीं है हमें प्याज को, हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक ही इसको हम पकाएंगे। ब्राउन नहीं करना है प्याज को हमें। तो ये देखिए प्याज हमारा सौते हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जो भी सब्जी आप इसमें ऐड करें एकदम बारीक चॉप कर लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड बेल पेपर्स। एक बार इनको हम मिक्स कर लेंगे और इनको हल्का सा हम सौते कर लेंगे मीडियम हीट पे। मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें गाजर। थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें मटर। और थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें हम स्वीट कॉर्न। और इनको भी हम साथ में ही सौते कर लेंगे। इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, इनको हमें हल्का सौते ही करना है। तो मैंने 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लूँगी और इनको चलाते रहेंगे इस तरीके से ताकि हर तरफ से ये बराबर सौते हो जाएं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। 1/2 चम्मच ऐड करूंगी मैं इसमें काली मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें ऑरिगेनो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इन सबको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो नमक बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं जब इसमें हम पानी डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसको मिक्सी के जार में डालकर उसकी प्योरी बना ली है। अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसे हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे इसमें अच्छा कलर भी आएगा। मिक्स कर लेंगे एक बार इसको हम। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सोक किए हुए चावल। चावल का पानी निकाल कर इसमें हम चावल डाल देंगे। ज़्यादा चावल को हमें सोक नहीं करना है, करीबन 4-5 मिनट के लिए इसे आप सोक करें। अब इनको भी एक बार हम सौते कर लेंगे इनके साथ ही। हल्का सा इनको हमें भूनना है। हल्के हाथ से इनको आप भूने, नहीं तो चावल हमारे टूट सकते हैं। और चावलों को आप ज़्यादा देर के लिए ना भिगोएं, क्योंकि अगर इस तरीके से आप चावलों को जब भूनेंगे ज़्यादा देर भिगोए हुए होंगे तो वो टूट सकते हैं। हल्के हाथ से मैं इनको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप पानी। जैसे मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिए तो उसका डबल मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 2 कप पानी। गैस को फुल फ्लेम पे करेंगे और चावलों को हम बॉईल होने देंगे। तो ये देखिए चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। जब चावलों में थोड़ा सा ही पानी रह जाए तब हम गैस को स्लो पे कर देंगे और इसे हम ढक्का लगाकर पकाएंगे करीबन 10 मिनट के लिए। करीबन 10 मिनट बाद चावल को एक बार हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए चावल हमारे तैयार हो गए हैं। इसको हल्के हाथ से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मैक्सिकन राइस हमारे तैयार हो गए हैं। इसको सर्व करूंगी मैं गर्मा गर्म। 1 पॉट मील रेसिपी है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। लास्ट में स्प्रिंकल करूंगी मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए हरे प्याज, यानी कि स्प्रिंग अनियंस। तो तैयार है हमारे मैक्सिकन राइस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।